जश्न टैलेंट फिल्म फेस्टिवल सीजन 2 का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से खुशबू शेठ ने दादर में किया। बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषाओं में शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुशबू ने सीजन 1 में शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग रखी थी और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने मिला। आपको बता दें कि 600 से ज्यादा लोगों ने अपनी फिल्म को जश्न टैलेंट में भेजा और कई दिनों तक इनमें चयन करने के लिए अलग अलग भाषाओं के जानकार लोगों ने फिल्म देखकर विजेताओं का चुनाव किया और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जीतने वाले सभी विजेताओं को सुंदर ट्रॉफी भेंट की गई। इस मौके पर कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की और जश्न टैलेंट को ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुंचे इसके लिए दुआ भी की। वहीं शॉर्ट फिल्म्स बनाने वाले जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इस तरीके की प्रतियोगिता लोगों के बीच आनी चाहिए ताकि छोटे छोटे फिल्म बनाने वाले लोगों का भी मनोबल बढ़े और लोगों का रुझाव उनकी तरफ बढ़े। जश्न टैलेंट में 536 पार्टिसिपेंट्स आए थे और हमें बहुत ही डिफिकल्ट हुआ सही इंसान फिल्म मेकर्स को चूज करने में, क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स आई थी, एक्सपेरिमेंटल मोबाइल फिल्म, VFX, साइंस फिक, इवन स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे आए थे। तो हमने ये इजी करने के लिए हमने कैटेगराइज कैसे किया था कि हमने 10 पैनल्स ऑफ जजेस रखे थे, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग जजेस रख दिए। तो इस हिसाब से पहले हमने मूवी सेग्रीगेट कर दी, फिर हम लोग ने जजेस को मार्क्स दे दिए थे और उस हिसाब से वो लोग ने मार्क्स दिए। उसमें से जिसको फर्स्ट 51 को ज़्यादा मार्क्स मिले हो उनको हमने चूज किया। फिर उसको हमने 51 मूवीज फिर से सारी देखी, उसमें से कौन सी कैटेगरीज में कौन सी मूवीज जानी चाहिए, जैसे VFX में कौन सी जानी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल में कौन सी जानी चाहिए, आर्ट मूवीज में, कॉन्सेप्ट मूवीज में। तो उस हिसाब से हमने सारा सेग्रीगेशन किया। इसके पीछे मेरी टीम की, मेरे जजेस की बहुत सारी मेहनत है और हम लोग को बहुत दिन लग गए हैं ये सारी मूवीज देखने में, मतलब दिन और रात हम लोग इकट्ठा होके मूवीज ही देख रहे थे। लेकिन आज जब भी मैं सीजन 2 में भी सक्सेसफुली देखती हूँ, इतने सारे फिल्म मेकर्स में हमारे जश्न टैलेंट में अपना साथ दिया है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा सपना था कि जश्न टैलेंट मतलब अब सिर्फ हुनर बोलेगा, वो टैगलाइन थी मेरी, तो वो हुनर सच में बोल रही है। और मेरा हमेशा सपना था कि जश्न टैलेंट को टैलेंट हंट शो में दूँ, जैसे कि हम बहुत सारी टैलेंट्स उस शोज में दिखाते हैं, उस इवेंट्स में दिखाते हैं। और आज इस इवेंट्स में हमने सारे फिल्म मेकर्स को एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही माध्यम में लाके बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल किया है यहाँ पे दादर में। सो थैंक यू ऑल द फिल्म मेकर्स जो हमने यहाँ पे आपकी सबमिटेड मूवीज दी। खुशबू, पहले सीजन से सेकंड सीजन में क्या डिफरेंस लगा, कुछ उतार चढ़ाव देखा गया या जो भी कहना चाहे, क्योंकि अब लोगों को तीसरा पार्ट का इंतजार रहेगा। सही बोला आपने, सीजन 1 में हम लोग को जैसे बोले सोशल मीडिया मार्केटिंग 6 महीने तक करनी पड़ी, तभी हमने 500 के ऊपर के आंकड़े को मिला था। और सीजन 2 में हमने 1 या 2 महीने में इतने सारे फिल्म मेकर्स को टारगेट कर चुके हैं, मतलब ये बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जश्न टैलेंट पैन इंडिया में नाम हो चुका है। मतलब जैसे ही उसके शोज और इवेंट्स जाते हैं लोग तुरंत रजिस्टर कर देते हैं। और जश्न टैलेंट का हमेशा से यही हुआ है, जो इवेंट जो डेट पे रखी गई हो और जो टाइमिंग पे रखी गई हो वही टाइम पे हम शुरू करते हैं और सब शो हमारे स्मूथली जाते हैं। इवन हमारे वहाँ पे चीफ गेस्ट और जजेस को भी आना अच्छा लगता है कि बहुत कम समय में हम वाइंड अप कर देते हैं सारी सिचुएशंस को। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जश्न टैलेंट अब सिर्फ हुनर बोलेगा, मतलब टैलेंट ही स्पीक करेगा। सारे हमने पैन इंडिया से कवर किए थे, एक ही मूवी अमेरिका से आई थी, लेकिन हमें अभी वर्ल्ड वाइड जाना है। टारगेट अपना बहुत लंबा है और ये टारगेट हमारी मीडिया और आप सब दर्शकों मिलके पूरा कर सकते हो, तो आप सभी की जरूरत हमें हमेशा लगेगी। तो मैं पहले भी यही कहती थी कि जश्न टैलेंट खाली खुशबू सेठ नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये टैलेंट का माध्यम है। तो बहुत सारे लोग जो इंडिया से जुड़े हुए हैं अभी हम टारगेट करेंगे आउट ऑफ यूनिवर्स। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने हमारा नाम पूरे विदेश में रोशन किया है, तो जश्न टैलेंट भी उसका नाम पूरे विदेश कंट्रीज में अपना नाम रोशन करेगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत सिन्हा है। मैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बतौर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड लिरिसिस्ट काम करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म जश्न टैलेंट में मेरा एक म्यूजिक वीडियो है
ऐ वतन तेरा शुक्रिया, ये गाना मैंने लिखा है एज अ लिरिसिस्ट। मेरे कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं और इसलिए ये गाना मैंने दिया है। ये गाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, क्योंकि हमने इसे वुमेन सोल्जर्स को डेडिकेट किया है। जनरली जब भी हम किसी देशभक्ति की बात करते हैं, आर्म फोर्सेस की बात करते हैं, तो हम मर्दों की बात करते हैं, और एक मर्द होने के तहत मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतों के बलिदान को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या थोड़ा कम आते हैं। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी औरतें हैं, महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो पुलिस फोर्स में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती हैं, और उनका बलिदान भी है, उनका योगदान भी है। तो नारी शक्ति को ये समर्पित है ये गाना, ऐ वतन तेरा शुक्रिया। ये गाना हमने उन्हें डेडिकेट किया है आज़ादी दिवस पे, और ये प्रोजेक्ट जो है जश्ने टैलेंट पे हमारे साथ शिरकत कर रहा है। खुशबू के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसे एक प्लेटफॉर्म की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जिनको कुछ भी चांस नहीं मिलता, ऐसे लोगों को अगर छोटा सा भी कुछ अपना टैलेंट दिखाने के मौका मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, जैसा कि मैंने अपने बारे में कहा कि मैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ बड़े बजट की फिल्में मिलती हैं, कुछ छोटे बजट की। मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, साथ ही एज अ राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर और शॉर्ट प्ले मेकर हूँ। एक फेसबुक पे ऐड देखा था जिसमें टैलेंट था, तो इसके पहले भी मेरी एक मूवी थी स्पेशल डे, तो बाद में एक मूवी हमने बनाई जो मराठी है, कड़ू साकर नाम की। 2010 से हमारा उस पर काम चालू था, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई। 2019 में हमने एक प्ले प्रोड्यूस कर दिया, फिर हमारा काम रुक गया। 2020 में हमारी कड़ू साकर फिल्म मेकिंग चालू हो गई, तो बहुत दिल से लगाव है उस फिल्म से, भले वो 22-28 मिनट्स की फिल्म है। हमें ऐसा लग रहा है कि उस फिल्म के लिए ये जो कंपटीशन है उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो न्याय मिलेगा, जिसके अंदर मैंने एज अ राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, ऐसी चार भूमिका निभाई है। सर, ये मुझे जानना है, जिस तरीके से आजकल हर चीज़ OTT पे आ गई है, छोटे मतलब हर छोटे बड़े कलाकार को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट कितना है और ऐसे कलाकारों के लिए क्या करना चाहिए या किस तरीके से गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि जैसे कि ड्रामा के लिए अभी अनुदान मिल रहा है, तो शॉर्ट फिल्म मेकर जैसे कि बात हो गई, शॉर्ट फिल्म ये बड़ी बड़ी बजट का पिक्चर रहती है, वो तो हर एक को पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग जितने भी शॉर्ट फिल्म मेकर है जो हमारी फिल्म तो बना लेते कि हमारे कोई क्या दिल छूने वाला सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी यहाँ वहाँ से पैसे कैसे भी करके जमा कर लेते, लोकेशन जमा कर लेते, हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ऐसे करते कि कम बजट में हमारे जो टेक्निकल स्टाफ आ जाए, हमारे आर्टिस्ट आ जाए। तो जिनके पास ऐसा पैसा खुद के जेब से गया है, तो उनको जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म है, शॉर्ट फिल्म से कोई रिटर्न नहीं है, तो OTT प्लेटफॉर्म पे अगर हमको मौका मिला, हम मुझे ही नहीं, जितने भी फिल्म मेकर है, शॉर्ट फिल्म मेकर है, उनको अगर OTT पे मौका मिलता है और सरकार कुछ ना कुछ वो फिल्म देख के उसकी दखल अंदाजी लेती है, तो सब शॉर्ट फिल्म मेकर का भला होगा और हर एक को OTT प्लेटफॉर्म मिलेगा। जश्ने टैलेंट, यस यस, थैंक यू, थैंक यू ऑल। प्रेमलता मौर्य की रिपोर्ट, आईवेरा टाइम्स, मुंबई।